नगर निगम देहरादून में कचरा प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही मुहिम तेजी से आगे बढ़ने लगी है और इसमें विभिन्न संस्थाएं, सरकारी दफ्तर के लोग और बाकी दूसरे लोग भी शहर को साफ रखने के लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हें नगर निगम ने स्वच्छता चैंपियन नाम दिया है। अभी तक 60 लोग इसके लिए नामांकन करा चुके हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि स्वच्छता चैंपियन को नगर निगम सभागार में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि दून में कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कहा कि इस मुहिम भी एक मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके तहत तो जो लोग खुद के प्रयास से कचरा प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं उनके लिए स्वच्छता चैंपियन खोज अभियान चलाया गया है और जिन लोगों ने नामांकन किया है निगम की टीम घर जाकर उनकी जांच पड़ताल कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वेच्छा से इसे देहरादून को साफ करने के लिए, देहरादून की सफाई व्यवस्था ठीक हो, देहरादून से प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए जो स्वच्छता चैंपियन बने हैं आज उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और स्वच्छता चैंपियन के साथ साथ वो देहरादून को साफ रखने के लिए एक शपथ भी ले रहे हैं कि देहरादून को हम साफ करेंगे, देहरादून में और अन्य लोगों को जोड़कर हम इस देहरादून की स्वच्छता को बरकरार रखेंगे और ना तो गंदगी करेंगे ना किसी को गंदगी करने देंगे।